यदि आप कोई भी किसी भी तरह की ज़मीन खरीद रहे हैं, बिल्कुल सही ज़मीन है, सभी डॉक्यूमेंट सही हैं, फिर भी आप सावधान हो जाइए क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। कई फोन्स मेरे पास आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये फ्रॉड के बारे में सावधानी रखने के लिए सबको मैं आज इसमें सूचना करने जा रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। देखिए, यदि आप कोई एडवाइस लेना चाह रहे हैं ले सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब सबसे पहले आप समस्या को समझ लीजिए, क्या फ्रॉड हो रहा है, उसके बाद समाधान बताऊंगा आपको। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, ये खतौनी आप देखिए, इसमें दो भाई हैं, नंदराम और लखो, एक पिता कौन है, ठाकुर लाल, ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, नंदराम से आपने ज़मीन खरीद ली, भाई प्लॉट खरीद लिया या खेत खरीद ला, आपने ज़मीन खरीद ली भाई, इसकी बिल्कुल सही ज़मीन है और नंदराम का हिस्सा भी है भाई, खरीद ली आपने, सारा पैसा दे दिया, रजिस्ट्री भी करा ली और दाखिल खारिज के लिए आवेदन भी आपने कर दिया, ठीक है। अब आप पहुंच रहे हैं भाई ज़मीन पे कब्जा कराने के, कब्जा लेने के लिए पहुंचेंगे आप, तो लखो वहाँ पे आपको कब्जा नहीं करने दे रहा। लखो कौन, दूसरा भाई, जिससे आपने खरीदी है उसका दूसरा भाई आपको कब्जा नहीं करने दे रहा है। वो बोल रहा है इसका सरकारी बंटवारा नहीं हुआ, मैं नहीं कब्जा करने दूंगा, ठीक है। और हो सकता है नंदराम भी उसका साथ दे बाद में, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लीजिए आप पावरफुल नहीं हैं, तो दूसरा जो विक्रेता है उसके भाई बंधु परिवार के लोग, क्योंकि भाई परिवार की ज़मीन है, उन्हें कष्ट होता है थोड़ा बहुत, तो अगर आप कमज़ोर हैं, आप पावरफुल नहीं हैं, तो वो जो है रोकेंगे आपको कब्जा करने से, ठीक है। यदि आप पावरफुल हैं तो इनकी हिम्मत नहीं है, ठीक है। आप पावरफुल नहीं हैं और उधर विपक्ष जो है खुरापाती हुआ थोड़ा बहुत, तो आपको परेशान कर सकता है, इसका समाधान भी मैं आपको बताऊँगा। तो ऐसे कई समस्याएँ देखी आ रही कि भाई पहले ज़मीन बेच देता है, फिर जब जो खरीदता है वो कब्जा करने के लिए पहुंचता है, तो उसके परिवार के लोग, क्योंकि खतौनी में उनका भी नाम है, वो कब्जा नहीं करने दे रहे। अगर आप बहुत सीधे हैं, आप लड़ाई से दूर रहते, तो वो कब्जा नहीं करने दे रहे भाई। फिर आदमी मानसिक तनाव में आ जाता, भाई पैसा भी दे दिया, रजिस्ट्री भी करा दी, और कब्जा न देने के बाद जब दाखिल खारिज आप करवा रहे होते, तो उसमें आपत्ति और लगा देते फालतू में, फिर आपका दाखिल खारिज भी टल जाता है। तो आपने पैसा दिया, रजिस्ट्री कराई, उसके बाद भी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर करेंगे, ठीक है। तो इस समस्या से कैसे बचें? पहली बात तो बंटवारा नहीं हुआ, फिर भी वो बेच सकता है, जहाँ कब्जा लिए वहाँ कब्जा देगा आपको। अब इस समस्या से बचें कैसे आप, ठीक है। देखिए, ये जो समस्या है ये अस्थाई समस्या है, क्योंकि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे 2-3 साल, तब ज़मीन आपको मिलेगी। भाई पैसा आज दिया है, 2-3 साल चक्कर क्यों काटेंगे आप? तो इसकी समस्या का समाधान ये है कि यदि आप नंदराम से ज़मीन खरीद रहे हैं, यानी कि मान लीजिए चार भाई हैं, एक भाई से ज़मीन खरीद रहे हैं, तो आप थोड़े पैसे दे दीजिए और उससे कहिए भाई मुझे कब्जा दे दे पहले, तो उसके बाद हम पूरा पैसा देंगे और रजिस्ट्री करवाएंगे, ठीक है। पहली कंडीशन यही है कि आप पोजीशन लीजिए, पोजीशन और उसके बाद रजिस्ट्री करवाइए, ठीक है। दूसरी बात, अब पहले ही आप तय कर लेंगे भाई हमें कब्जा कहाँ देगा, ठीक है। कब तय कर लें कब्जा कहाँ देगा और कब्जा ले भी लें, उसके बाद जो है आप रजिस्ट्री करवाएं, या आपने रजिस्ट्री करवा ली है तो तुरंत आप कब्जा लीजिए, ठीक है। तत्काल आप देरी मत करें, ठीक है, क्योंकि भाई दूसरा पक्ष मान लीजिए अगर खुरापाती हुआ और आप कमज़ोर हैं, तो वो दबाने की कोशिश करेगा। तो यही है कि आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो पहले पैसे देकर 50% या 20% पहले उससे बातचीत कर लेंगे, भाई पहले कब्जा लूँगा उसके बाद रजिस्ट्री, ठीक है। तो इससे आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।